अभी तो मैं देखिए आ गया हूँ ऑफिस में, अभी अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मिला हुआ है, तो ये तो डाक से जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, और फिर जैसा भी होगा इन्हें डाक से भेजना होगा जो भी होगा। और इसके कम से कम 3 से 4 प्रति में अलग अलग जगहों पे इसकी जो प्रति है बोलूँगा कि भेजने के लिए, ठीक है, अटैच करवा देता हूँ। सो बस शायद 2 मिनट या 5 मिनट में जाना हो। ओके, फाइनली बड़ी लंबी वार्तालाप चली, लगभग मुझे लग रहा 20 मिनट पहली बार ऐसा रहा, क्योंकि पूरी बातों को डिस्कस किया गया हम लोगों ने सर से, जैसे कि NTA का पेपर कराने के तरीके से लेके प्रवेश पत्र, पेपर पैटर्न, और फाइनली आंसर की और रिजल्ट पे। और उतना ही नहीं, आने वाले एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं 2022 पे, इस पे भी चर्चा हुआ, और वो होना भी चाहिए था क्योंकि ये इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है भविष्य को लेकर तो हमें चिंतित होना ही चाहिए, तो इसलिए उस पर भी डिस्कस हुआ। तो मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जब इतना आगे आ चुके हैं तो पेपर कैंसिल का तो सवाल नहीं बनता है, ये भी जानते हैं। बाकी ये BHU लेवल पे बस नहीं है, वो अलग बात है कि BHU फिर भी सुन रहा है मुझे या आप लोगों को, क्योंकि ये चाहें तो ये हाथ उठा सकते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन को दे दिया गया है। वो BHU चेकआउट करना चाहिए, मैंने इस बात को बोला कि सर कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपको चेकआउट करे, जो सॉरी जो आपको नहीं, आप NTA को चेकआउट करो। तो थोड़ा ऑफिशियल मैनर में बात करते हैं भाई, स्टूडेंट का अपना अलग टॉकिंग होता है, तो इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है कन्वर्सेशन में। मैंने पूरा एप्लीकेशन दिया, लगभग 50 क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने दिया है, साथ में एक एप्लीकेशन, उसमें 4-5 डिस्कस, और लास्ट में एप्लीकेशन मेरे नाम से ही जाएगा वो, क्योंकि समस्त छात्रों में साइन नहीं था तो फाइनली मेरे नाम से जाएगा। और मैंने अपना डिटेल दिया उनको, और उन्होंने मेरे को 2 दिन के अंदर ये भी बोला है कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप ईमेल करें, मुझे ईमेल करें, या फिर NTA को, या फिर लाके हार्ड कॉपी में सबमिट करें, जो कि वो मेरा काम है, मैं 1-2 दिनों में करूँगा, जिससे कि जो बच्चे क्लेम नहीं कर पाए हैं या जो क्वेश्चन क्लेम में छूट गया है तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पता चल जाए और ये लोग NTA को भेज सके और NTA उस पर सही रिजल्ट बना सके। दूसरी चीज़ एक है जो इन्होंने मेरे को इंश्योर किया है, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि रिजल्ट को लेकर एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि रिजल्ट में ऐसी कमी नहीं होगी। मैंने बोला कि सर रिजल्ट में क्या गारंटी की, रिजल्ट में भी गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, तो बोले कि फिर हो सकता है बट होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी, देखा जाएगा। थोड़ा ये लोग ऑफिशियल होते हैं या फिर भारत सरकार की पूरे कार्यालय की भी यही व्यवस्था रहती है। और मेरा क्या है कि मैं अभी क्या, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग समाधान पे निकले, क्योंकि आखिर हम लोग पेपर कैंसिल भी तो अभी इस समय तो नहीं करा सकते। आप बताओ कि आखिर इस पर क्या लीगल एक्शन लिया, क्योंकि ये छोटे लेवल पे तो इसका सोल्यूशन भी नहीं है, छोटे लेवल पे कार्रवाई भी नहीं हो सकती है, बहुत मास ग्रुप में इस पर हमें कंपेनिंग करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर रिजल्ट सही बना दें तो कंपेनिंग की भी जरूरत नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, सही भी हो जाए तो हम लोग बस यही उम्मीद करें कि रिजल्ट हमारा अच्छा हो। आप लोग को क्या काम करना है, आपके पास जो लोग क्लेम नहीं कर पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है 9519383272, उस नंबर पे आप एक साइड लिखना करेक्ट आंसर, एक साइड लिखना NTA का आंसर, जो भी गलत होगा ऊपर लिखना अपना कोर्स और अपना नाम और पेपर क्वेश्चन कोड भी लिख देना, ठीक है, और मेरे को व्हाट्सअप कर देना, जिससे कि मैं लाके पूरा हार्ड कॉपी में इनके यहाँ सबमिट करूँगा। और अब मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि 2022 का पेपर ये लोग कब कराना चाहते हैं और वो पेपर कौन कराएगा, BHU या NTA, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि जिनको लग रहा है कि उनका BHU इस बार नहीं हो रहा है, सच में मैं हमेशा ग्राउंड लेवल पर काम किया हूँ, ठीक है, आप मेरे को देखते भी होंगे, जैसा भी रहता हूँ ग्राउंड कुछ भी होता है, चाहे काउंसलिंग के टाइम पे रही हो चाहे हर टाइम पे मैंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है। तो मैं आपको एक बहुत पॉलिटिक्स से दूर बात बता रहा हूँ, पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि 22 में सेशन लेट होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, जो भी डिटेल होगा उस पर फिर इंक्वायरी करिएगा। बातें तो बहुत सारी थी, शायद कुछ छूट भी गई हैं, बट जो काम की थी मैंने आपको बता दिया कि आपके रिजल्ट सही आएंगे, 14 तक आपके रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग एंड ऑफ द मंथ में होने की पूरी उम्मीद है, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो चले जाएंगे, और आप मुझे मेल करो और आप मेरे को व्हाट्सअप करो और आप लोग NTA को खुद मेल करो अपना क्वेश्चन कलेक्शन करके, ठीक है। और जिन्होंने क्लेम कर दिया है, यही बात है ना कि अगर ऑफिस खुला होता तो शायद हम लोग को इतना पैसा नहीं बर्बाद करना पड़ता फिर, क्योंकि वो पैसे में बचा लेता, मैं गारंटी बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, 2 दिन इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया, अब मेरी बातें नहीं हो पाई। आज इन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि पेमेंट इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग उसको बिना पेमेंट का भी कर सकते थे, क्योंकि फिर वो ईमेल करवा देते और NTA से बात हो जाती, बट यही है कि नहीं हो पाया, अफसोस।
सो प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। ऐसी ऑफिशियल अपडेट्स बहुत अच्छी न्यूज़ के लिए चैनल पर बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे सबका समाधान हो जाए, ठीक है? ओके। और वो मिस मैच वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, जो ऊपर के आप लोगों ने क्वेश्चन छोड़े हैं वहाँ से वो सीरियल चालू हो रहा है, तो इसलिए वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।